Budanjola, he had a program public awareness regarding consumers' rights protected under the Consumer Protection Act 2014. आम पब्लिक जिला ही हाई कोर्ट ऑप्शन के डायरेक्शन से जनाब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जनजी निगरानी में ही कंडक्ट कर पड़ी उन जिला आम तवा सभी वकील दोस्तन जो तहे दिल से शुक्र गुजार आया जिन शार्प नोटिस से एक्टिव पार्टिसिपेशन गई और असा की इज्जत पछी प्रोग्राम जे बाकायदा आगाज जिला आम पहला दावत दिन मोहतरम इम्तियाज अली पंपरो साहब जन के डाइस से अचन असा ने पार्टिसिपेंट्स के कंज्यूमर राइट्स जेके प्रोटेक्टेड आहिनि अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उन्हनि जे बारे में आगाही ॾियनि दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे एक्टिवली पार्टिसिपेट कनि ध्यान सां ॿुधनि आख़िर में एफ ए क्यूज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो सिलसिलो हूंदो ऐं तव्हां सभिनी खे मौक़ो मिलंदो सवाल जवाब ॾियण जो Judge Consumer Court, President District Bar Association, Dadu, General Secretary of Government, Member of Swamani. Asi short notice te ajwaje samo aayo Honorable High Court di direction te the awareness seminar regarding awareness of Consumer Protection Act. Ai hakikat mein tamam legal fraternity ya members you all are aware regarding the Consumer Protection Act. हाँ मामला तेरा असा के इंफॉर्मेशन अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है टू जनरल पब्लिक असा बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर बाउंड आयो पाले कोर्ट्स ताई वी आर हेयर टू प्रोवाइड जस्टिस तमा असा जा एम्बेसडर आयो यू ऑल द लर्नड एडवोकेट्स आर इंटरलिंक्ड विद द पब्लिक द अमाप के सामो ऑनरेबल हाई कोर्ट जी डायरेक्शन हुई ही शयो आंजन त आखिर ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन आंदो छो वियो आहे कंज्यूमर छा बेसिकली अवां असां रोज़ानोमरह जी ज़िंदगी में जेके बि शयूं परचेस कयूं था या सर्विसिस हायर कयूं था दीस आर कॉल्ड कंज्यूमर असां जेका शइ कंज्यूम कयूं था का सर्विस हायर कयूं था असां का परचेसिंग कयूं था उन असांखे जेको टाइटल ॾिनो वियो आहे एज़ अ कंज्यूमर हाणे मामला कीअं आहिनि त कंज्यूमर छा थो ख़रीद करे फूड आहे ग्रोसरी आहे क्लॉथिस आहिनि होम आर्टिकल्स तव्हांजा आहिनि इलेक्ट्रिकल गुड्स आहिनि मेडिसन आहिनि डिफरेंट जेके शयूं असां ख़रीद कयूं था उन्हनि शयुनि खे कंज्यूम कयूं था बीइंग अ कंज्यूमर ही लॉ बि जेको आहे उहो असांखे प्रोटेक्ट करण जे लाइ आहे हाणे हिन जी अवेयरनेस बेसिकली जेकॾहिं ॾिठो वञे त 2015-14 में ही एक्ट आयो आहे 16 मार्च 2015 ते ही इन फील्ड आयो आहे इम्प्लीमेंट थियो आहे लेकिन 2015 खां वठी अॼु ताईं को ख़ासि केसनि जो रेशो न आहे जेको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आयो हुजे ऐं इन जी मुंहिंजे ख़्याल में जेका सभ खां मेन वजह आहे उहा आहे माण्हुनि में अवेयरनेस न आहे तव्हां बीइंग अ लीगल फ्रेटर्निटी जा मेंबर तव्हां अवेयरनेस ॾियो त उहे कहिड़ियूं शयूं आहिनि जिन जे करे तव्हां प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट में अची सघो था मां तव्हांखे ॿुधायो कंज्यूमर जा 2 क़िस्म आहिनि जेको परचेस करे थो तव्हां का बि शइ जेको आहे वञो था मार्केट में परचेस कयो था दैट इज़ द वन काइंड ऑफ कंज्यूमर सेकेंड कंज्यूमर जी जेका काइंड आहे उहा आहे बाए हायरिंग सर्विस आर अवेलिंग सर्विस तव्हां का बि सर्विस अवेल कयो था तव्हांजी कोरियर जी सर्विस आहे होटल जी सर्विस आहे रेस्टोरेंट जी सर्विस आहे इहे शयूं जेके तव्हां अवेल कयो था उन्हनि जा जेके मैयर्स आहिनि उन्हनि जी जेका मैनेजमेंट आहे उहा जेका तव्हांखे डिस्क्लोज़ कई थी वञे उन सर्विसिस खे जेकॾहिं तव्हांखे प्रोवाइड नथो कयो वञे ऐं उन में डिफेक्ट आहिनि उन में फॉल्ट आहे द मीन्स देयर बाय दैट यू हैव अ रिमेडी टू इशू अ नोटिस टू दैट सर्विस प्रोवाइडर फॉर 15 डेज एंड देयर आफ्टर विद इन 30 डेज यू हैव टू फाइल अ क्लेम बिफोर कंज्यूमर हीअ शयूं जेके आहिनि इहे असांजे आम माण्हुनि खे ख़बर ई कोन्हनि हिकिड़ो माण्हू होटल ते वञे थो या कोरियर सर्विस जे थ्रू का हुनखे कमिटमेंट थिए थी त हीअ जेका तव्हांजो कोरियर आहे 2 ॾींहनि में 4 ॾींहनि में तव्हांखे डिलीवर थींदो उहो महीनो मिले कोन थो उन शइ ते कोई अचे ई कोन थो त इहे शयूं जेके आहिनि इहे पब्लिक में असां ॿाहिरि जेको आहे पब्लिक अवेयरनेस जे लाइ बैनर्स बि शो कया आहिनि
इन खां अलावा भी इंफॉर्मेशन जो अलग हाईकोर्ट की डायरेक्शन से अस प्रोवाइड क्यों पाया इंशाला कम इंदी। सेकेंडली अस जनरली दिखो है तो पब्लिक जो है वह अवेयर ना है तो अस कें खिलाफ़ वन कू कलाफ़ केस कि दाखिल कर लीगल फ्रेटर्निटी मेंबर्स अवेयरनेस असानी जनरल पब्लिक के बाबा तीन परचेज आइटम किया फ्रॉम शॉपकीपर सेलर मैन्युफैक्चरर कंपनी उन्होंने शूं तिस्प्ले कन सेक्शन 11 एंड सेक्शन 16 डिस्क्लोजर जो सेक्शन है मिस्टर निशान साहब उनके डिस्क्लोज में जी शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तिस्क्लोज करना उन फैक्ट्स डिस्क्लोज करना प्राइस डिस्क्लोज करनी एक्सपायरी डेट जो एक्सप्लेन करनी उनमें लिखनी है इनके अलावा मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी है हाँ अस इन शो वन ही को नो अस इन शी कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स में आंदे शरूर थे घुर्जन साई तक निशान साहब तक एक्सप्लेन कह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो जनरल इंट्रोडक्शन है जैमें कड़ी कड़ी शहत कोर्ट में अची सोता हाँ ब्रीफली जो बुधाईदम तो आम कंज्यूमर है वो शॉपकीपर वे तो मैन्युफैक्चर वे तो कंपनी की सर्विसिस अवेल करे तो या जो सर्विसिस प्रोवाइडर है उन्होंने वे तो हाँ उन्होंने वटा जैसे डिफेक्टिव शे मिले थी फॉल्ट वाली शे मिले थी दैन दिस एक्ट इज फॉर द कंज्यूमर। बो ये तुम सामूँ गाल सेलर आन या शॉपकीपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कड़ी है जो असर अवेयर ना एक तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन उन आइटम की जो तुम अस खरीद कर सेकेंडली एग्जैक्ट प्राइस उनकी शो होजैक्ट कंट्रोल में प्राइजिस शो थन्दन वन दुकान में जो तुम वादा हों तो प्राइजिस मेन गेट से लगल होंद हर शे या दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट शॉपकीपर तो प्राइस प्राइज लिस्ट शो करें क्वालिटी भी उनके शो करनी है क्वांटिटी भी शो करनी है इन अलावा एडवर्टाइजमेंट जो करे तो वह एडवर्टाइजमेंट जो होंगी उन मुताबिक उनके शे जो है देनी है जैसे उनकी भी वायलेशन में वे तो मीन्स देयर बाय दैट ही इज वायलेटिंग द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उनमें तुम रिमेंड ही है। सेकेंडली वारंटी है स्टैंडर्ड है क्वालिटी शे जो वह भी शे जैसे तक एज पर वॉरंटी एज पर स्टैंडर्ड न तो मिले तद भी तुम रिमेंड ही है बिफोर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। जनरली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कॉन्सेप्ट हो स्टार्ट फ्रॉम अमरीका 1962 में अमरीकन प्रेसिडेंट जॉन कैंडी कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स इंट्रोड्यूस कराया 1968 में इंडिया उन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के इम्प्लीमेंट कर छोड़ो पाकिस्तान में 1995 में आयो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लेकिन वो उतें ही रहो उन 2005 में पंजाब में अस 2015 में लेकिन उनकी कंडीशन अजा तक सागी है तो प्रॉपर जो पब्लिक है कंज्यूमर है उनके उनको फायदो न पो पे लीगल फ्रेटर्निटी इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम आम मानून के अवेयरनेस दिन इन इन शे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू थे तो जै शो कई थी वे शेखारी थी वे उन उबतर जैसे तक का भी शे मिले थी तो तुम उनके खिलाफ़ मार्केट वह खत्म कर असि मार्केट में तो जनरली तुम तो का भी शे प्योर को मिले खीर वो खीर को मिले फूड आइटम्स प्रॉपर को मिलन रीजन चाहे वी आर नॉट अप्रोचिंग द कोर्ट जैसे मूलो इंद कोर्ट में उनके खिलाफ़ कार्रवाई थी तो उनको खौफ थी जैसे उनके खिलाफ कोई एक्शन नो नो एक्शन अगेंस्ट दैट पर्सन वो खपाई रहे तो सामू आए तो ओरिजिनल शे की जगह से असेंगे डी क्वालिटी बी क्वालिटी की शूं मिलन थी तमाम सभी दोस्त की यह गुजारिश है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पर्पज है
to provide security and provide protection to consumer. उन्हें तो आने वर्क आउट हो जाएगा मुझे। यानि वो हाई कोर्ट जो मुझे को मकसद आए स्टैटिस्टिक बार्स में वनी करे ये अवेयरनेस देना जो वो यो ही आए तो आवाज किताब आ जाए। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आवाज में मत आए। अगर तो आप भी ऐसा गलती करे इन अवेयरनेस सेक्शन में इन प्रोसेस में कंटिन्यू रहो बधी का वहां के निशान साहब जी को आज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक जनरल इंट्रोडक्शन दी दो। थैंक यू वेरी मच।